चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मर चित्र कथा की बहुत सुनी अच्छी कहानी है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। अमर चित्र कथा की है, बहुत सुनी। अपने माता पिता के साथ मध्य केरल के छोटे से नगर आयपुल में रहता था। बहुत सुनी का परिवार गरीब था। उसका पिता मामूली चोरिया क्या करता था, वे भागने न पाए। बहुत सुनी जरावर से पिताजी बालक कोतुनी को अक्सर भूखा रहना पड़ता था। आज मैं कुछ भी चुरा कर न ला सका हूँ, इसका मतलब आज हमें खाना नहीं मिलेगा। खुश या कैसी जिंदगी है, मैं यहाँ रहकर भूखा क्यों मरूं? मैं कहीं भाग जाऊंगा और ईमानदारी से रोटी कमाऊंगा। भूखा थका हारा कोतुनी एक शहर में पहुंचा। तेरी मांग यह कौन सा शहर है बेटा, इसे अबूर कहते हैं। वह बूढ़ा ब्राह्मण दयालु लगता है, किसी से खाना मांगता हूँ। ब्राह्मण जिसका नाम अनावी था सचमुच दयालु निकला। श्रीमान क्या आप इस भूखे बालक को खाना दे सकते हैं? अवश्य बेटा। कोतुनी ने कृतज्ञता पूर्वक ब्राह्मण की दी हुई गर्म गर्म चावल की लपसी जल्दी जल्दी निकली। धन्यवाद श्रीमान, मैं आपकी उदारता को कभी नहीं भूलूंगा। तुम कौन हो बेटे, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? जब कोतुनी ने उनावी को अपनी सारी कहानी सुनाई, मैं अपने एक मित्र से तुम्हें अपने यहाँ कोई काम देने के लिए कहूंगा। उनावी ने अपने वचन के अनुसार कोतुनी को नौकरी दिलवा दी। मैं तुम्हें अपनी दुकान में नौकरी दे सकता हूँ, आप जो भी कहेंगे श्रीमान मैं करने को तैयार हूँ। कोतुनी दुकान में काम करने लगा और साथ ही पढ़ना लिखना भी सीखने लगा। भाग कर मेरे लिए चाय ले आ, श्रीमान अभी लाया। कुछ ही सालों में वह अकेला ही दुकान संभालने और खातों का हिसाब किताब रखने लगा। चीनी करीब करीब पूरी बिक गई है, दाम भी आजकल अच्छे मिल रहे हैं, और चीनी मंगवा लूं? बेटा बेटा यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम जैसा ठीक समझो करो। एक दिन कोतुनी के एक दोस्त ने उसे खबर दी कि साइंस स्कूल में एक उस्ताद आया है। पता है यह उस्ताद युद्ध के तरीकों जादू और सम्मोहन विधा में बड़ा ही प्रवीण है, मैं उससे मिलूंगा और तीनों विधाएं जरूर सीखूंगा। श्रीमान क्या आप मुझे अपना शिक्षक बनाकर अपनी कलाएं सिखाने की कृपा करेंगे? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्या पता कि तुम उनका दुरुपयोग नहीं करोगे, आखिर तुम्हारे पिता तो एक चोर ही थे। मुझ पर भरोसा न करने का यह भी कोई कारण है? कोई बात नहीं, भले ही मुझे ये अपना शिक्षक न बनाए, फिर भी मैं इनकी विधाएं सीख कर रहूंगा। उस रात जब उस्ताद ने सबक सिखाना शुरू किया तो कोतुनी एक पेड़ पर चढ़कर सब देख रहा था। कुछ दिनों बाद, हुजूर कोतुनी हर रात को चोरी चोरी हमें देखता है सच? उस्ताद ने कोतुनी को बुलवा भेजा। मैं तुम्हारे ज्ञान की पिपासा से बहुत खुश हूँ, सच से तुम कक्षा में आ सकते हो, आप बहुत दयालु हैं गुरुदेव। एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आया, मुझे आधा शेर गुड़ की चाशनी चाहिए। अरे अब याद आया, मैंने तो बची हुई चाशनी मालिक के घर भेज दी, मैं ग्राहक को निराश नहीं करूंगा, जल्दी से जाकर मालिक के घर से ले आता हूँ। आशा है उन्होंने काम में नहीं ले ली होगी। लेकिन जब वह अपने मालिक के घर पहुंचा तो वहां उसने ताला लगा पाया। कोतुनी ने फिर भी अंदर जाने का निश्चय किया, हूँ मैं दीवार के इस छेद से भीतर घुस सकता हूँ। अरे देखो तो कोतुनी अपने मालिक के घर में कैसे चोरी से घुस रहा है, एक चोर के बेटे से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। कुछ ही देर में कोतुनी वापस दुकान पर पहुंच गया, यह लीजिए गुड़ की चाशनी। अगले दिन, श्रीमान कोतुनी भरोसे लायक नहीं है, हमने कल उसे आपके घर चोरी से घुसते देखा था, मुझे मालूम है मेरे व्यापार के लिए ही उसने ऐसा किया था, फिर भी हम समझते हैं कि आप उसे निकाल दीजिए, किसी दिन वह आपकी भी चोरी कर सकता है, आखिर उसका बाप एक चोरी तो था। अच्छा यह मुझे पता ही नहीं था, उसने कोतुनी को बुला भेजा। कोतुनी मैं अपने ग्राहकों को नाखुश नहीं कर सकता, तुम्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जी मैं समझ गया, तुमने बड़ी निष्ठा से काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम देता हूँ। कोतुनी ने उस मालिक से विदा ली जिसके पास 10 वर्षों तक उसने बड़ी ईमानदारी से काम किया था। ये लोग मुझे कभी ईमानदारी से कमाने खाने नहीं देंगे।
पिता के गुनाह के कारण समाज ने कोतुनी का पीछा नहीं छोड़ा, उसके लिए अब एक ही रास्ता था। अगर लोग यही चाहते हैं तो मैं चोर बनूंगा, अगर ईमानदार मगर ईमानदार चोर, अमीरों का धन चुराकर गरीबों को बांटूंगा। जल्दी उसने कुछ विश्वास पात्र लोगों का दल बनाया। मोहम्मद और कोतु पिल्ले, तुम मेरे सहयोगी हो गए। फिर तो कोतुनी के नाम से अमीर भयभीत रहने लगे और गरीब उसका आदर करने लगे। यही है ना उस बदमाश कोतुनी का अड्डा। हाँ, अपने देवरों का पूरा ध्यान रखना, तुम कितनी भी सावधानी रखो फिर भी कोतुनी उन्हें उड़ा ही लेगा। एक दिन कोतुनी ने एक जमींदार से कुछ अन्न मांगा। अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो उसका दाम चुकाना होगा, मैं तुमसे डरता नहीं। क्या कहा, नहीं डरते? उसी रात कोतुनी और उसके साथी जमींदार के घर में चोरी से घुस गए। चुप, सावधान, आवाज बिल्कुल नहीं। मोहम्मद, मैं यहाँ निगरानी करता हूँ। कोतु पिल्ले तुम्हें अंदर ले जाएगा जब दोनों चोर गोदाम में पहुंचे। तो खड़का होते ही कोतुनी दौड़ कर भीतर आया। बेवकूफ, कहीं के बर्तन गिराकर इन्होंने सबको जगा दिया है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अगले क्षण जमींदार के सोते बच्चों को उठाकर कोतुनी बाहर आया। बताओ, चुप रहो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। बताओ, बच्चों को लेकर वह दूर खेत में भाग गया। पिताजी, माँ कहाँ है? रो मत, जल्दी तुम्हारे माता पिता यहाँ आ जाएंगे। इधर बर्तनों के खड़खड़ाहट और बच्चों का चिल्लाना सुनकर जमींदार और उसकी पत्नी कमरे की तरफ दौड़े। हमारे बच्चे गायब हो गए हैं, उनका किसी ने अपहरण किया है। वे नौकरों को पुकारते हुए घर से बाहर निकले। जल्दी हमारे साथ आओ, बच्चों को ढूंढना है। हा हा हो तो, अब जब जमींदार लौट कर आएगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। क्या माल है, इतना ज्यादा इससे पहले कभी नहीं आज लगा। अगले दिन कायकुल में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी। जिन्हें जरूरत है उन सबके लिए मुफ्त अनाज। हमारे इस दोस्त और दाता कोतुनी को भगवान सदा भला करे। कोतुनी का भगवान सदा भला करे। कोतुनी को धनवानों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद आता था। कोतुनी, क्या तुम साहूकार नायर को जानते हो? उसका दावा है कि उसने ऐसा घर बनाया है जिसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। ऐसा समझता है इस नायर को सबक सिखा कर रहूंगा। उस शाम जब नायर तालाब में नहाने जा रहा था, गरीब किसान कृष्ण पिल्ले ने अपनी पत्नी के सारे गहने मेरे पास 1,000 रुपये में गिरवी रखे हैं। उसने आज शाम को रुपये लाने का वादा किया है। अगर मैं स्नान कर रहा हूं और वह आ जाए तो उससे रुपये लेकर तिजोरी में रख लेना और गहने उसे दे देना। बहुत अच्छा। कुछ देर बाद, क्या तुम अंदर हो? हाँ, क्या है? अंधेरे में उसे एक मोटा ताजा आदमी तेल से चमकते बदन वाला दिखाई दिया। क्या अभी तुमने स्नान नहीं किया? नहीं, कृष्ण पिल्ले मेरे पास रुपए लेकर आया था, इन्हें तिजोरी में रख दो और उसके गहने मुझे दे दो। स्त्री ने संदेह के बिना पोटली थमा दी। यह लो। उसे यह आभास भी नहीं हुआ कि वह आदमी खुद कोतुनी था। जब निर्दय नायर को पता चलेगा तो मजा आएगा। कोतुनी, क्या किया तुमने, जादू या सम्मोहन? कुछ दिनों बाद कृष्ण पिल्ले नायर के घर पहुंचा। ये लीजिए अपने रुपए और मेहरबानी करके मेरे देवर वापस कर दीजिए। नायर को कुछ पता नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था। उसने जाकर तिजोरी खोली। अरे, यह विचित्र थैली यहाँ कैसे आ गई? मैंने रखी थी तुम्हारे कहने पर, क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने ही तो दी थी। नायर और उसकी पत्नी दोनों बौखला गए। मगर मैंने तुम्हें नहीं दिया था। कृष्ण पिल्ले के गहने कहाँ हैं? मैंने तुम्हें उसी शाम को दे दिए थे। नायर का चेहरा पीला पड़ गया। तेजी तो कर उसने थैली खोली। पत्थर, इसमें तो पत्थर भरे हैं, हम लूट गए। कुछ समझ में नहीं आता। मेरे देवर मुझे वापस कीजिए, नहीं तो। एक उसी वक्त कोतुनी आ पहुंचा। ये लो कृष्ण पिल्ले, अपने गहने। बदमाश, तुम्हारे पास ये कैसे पहुंचे? तुम जानना चाहते हो क्या? कभी भी कोतुनी को कम मत समझो। बेवकूफ, उसने तुम्हें सम्मोहित करके
यकीन दिला कि वह मैं हूं। अगले दिन तुमने सुना किस तरह को त्रोणी ने नायर की पत्नी को सम्मोहित किया था। काश उस समय मैं होता जब नायर ने थैले में पत्थर पाए। शाबाश को त्रोणी, क्या सबक सिखाया उसे। एक बार एक वयोवृद्ध ब्राह्मण ने त्रोणी को नीता दिखाया था। ठहरो, कौन हो तुम? मैं एक सीधा साधा ब्राह्मण हूं भाई। मैं डाकू कायकुल त्रोणी हूं। सच तुम्हें क्या चाहिए भले मानुष? त्रोणी हैरान रह गया कि यह ब्राह्मण जरा भी परेशान नहीं दिखाई दिया, उल्टे यह बड़ा आनंदित दिख रहा था। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? इस बूढ़े को अच्छा खासा झटका देना चाहिए। अचानक त्रोणी बूढ़े के हाथ में पकड़े डंडे की ओर लपका। बूढ़े खुशक, यह मेरे वाले कर दे। उसे यह पता नहीं था कि यह ब्राह्मण लड़ने और आत्मरक्षा की कला में निपुण है। क्या भूत को तुम इसे पकड़ कर रखो। अगले क्षण, अच्छा मैं चला, राम राम। त्रोणी उसके पीछे भागा। तुम मुझे इस तरह फंसा कर कैसे जा रहे हो? तुम्हें मेरा डंडा चाहिए था ना, वह मैंने तुम्हें दे दिया। मुझे क्षमा करो, कृपा इससे छुटकारा दिलाओ। जरूर, लेकिन एक शर्त पर। वादा करो कि तुम फिर कभी भोले भाले ब्राह्मणों पर आक्रमण नहीं करोगे। वादा करता हूं। ब्राह्मण ने डंडे को तेजी से मोड़ा और त्रोणी को मुक्त कर दिया। नौजवान, मैं ऐसे ऐसे अनेक हुनर जानता हूं जो तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे। अब कभी मुझसे भिड़ने की कोशिश न करना। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने त्रोणी को परास्त कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं आत्मरक्षा की कला में तुमसे कहीं आगे हूं। विनम्र भाव से इस शब्द को कभी मत भूलना। त्रोणी, अपने दुश्मन को कभी भी कम मत समझो। अलविदा दोस्त, मैं आपके ये शब्द और अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद एक शाम को, और आगे तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? यहाँ डाकू त्रोणी का अड्डा है ना? राजगीर एक ब्राह्मण युग था, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है। मुझे यह गहने अपने मामा के घर पैर ले जाने हैं, डर लग रहा है कहीं ने डाकू त्रोणी लूट न ले। नवयुग को तभी एकदम एक तरकीब सूझी। मास्टर, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इसके बदले मैं आपको मेहनताना दूंगा। तुम्हारे मामा का क्या नाम है? वे कहाँ रहते हैं? उनका नाम अनावी है। वे ऐवूर मंदिर के पूर्वी द्वार के पास रहते हैं। अरे, यह तो वही दयालु ब्राह्मण है जिसने मुझे खाने को दिया था जब मैं भूखा था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जब तक मैं हूं त्रोणी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वे ऐवूर पहुंचे, आखिर हम घर पहुंच गए। कह रहे मामा जी, कितनी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे हैं। कौन? मेरे भांजे, भगवान की कृपा से तुम सही सलामत पहुंच गए। जी हाँ, भगवान के अनुकंपा थे कि इस भले आदमी का साथ हो गया। त्रोणी की हिम्मत नहीं पड़ी मेरे नजदीक आने की। त्रोणी आगे बढ़ा। कौन है यह? मैं इसे भरपूर इनाम दूंगा। मैं हूं त्रोणी। बेटे त्रोणी, मैं उस स्वादिष्ट लपसी को भूल नहीं पाया जो आपने एक भूखे गरीब बालक को खाने को दी थी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपके उस एहसान का बदला मैं कई गुना ज्यादा मात्रा में चुकाऊं। अगर आदमी नेक हो तो चाहे वह अमीर हो या गरीब, त्रोणी उसके साथ हमेशा उदारता दिखाता था। एक तूफानी रात को, हिम्मत रखो, अभी मदद मिल जाएगी। अरे, यह तो त्रोणी है। माँ एक अमीर ब्राह्मण की थी जो अपने पिता का श्राद्ध करने गांव जा रहे थे। भाई, मेरे पास माल तो है नहीं, मैं आपको लूटने नहीं मदद करने आया हूँ। बड़ा दिल है तुम्हारा, यह मुंडू धोती मेरी ओर से उपहार के रूप में दे रहा हूँ, लो। यह तो एक सच्चा आदमी है, कृपा यह अंगूठी मेरी ओर से भेंट के रूप में स्वीकार कीजिए। इस प्रांत में कोई भी आपको छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद एक गरीब आदमी बाजार से वापस लौट रहा था, तभी ठहरो, अरे यह तो त्रोणी है। कृपा मुझे मत लूटो, यह मेरी सारी पूंजी है, मैं फिर बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इस निकृष्ट काम से मुझे घृणा है,
लेकिन और कोई चारा नहीं है। यह धन मेरे हवाले कर दे बूढ़े। जी 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 हाँ, दुखी बूढ़ा घर वापस लौटा। क्या बात है पिताजी, हम बर्बाद हो गए। बड़े से माणिक की यह अंगूठी बुद्ध नामक एक परिवार के पास अभी तक सुरक्षित है। एक सप्ताह बाद मैं कर्जा वापस लौटाने आया हूँ। वो सुनी, मुझे धन की सख्त जरूरत थी, इसलिए जबरदस्ती आपसे लेना पड़ा। अब सूद के साथ वापस कर रहा हूँ। देखो देखो, उसने 250 के बजाय 400 रुपये वापस किए हैं। कितना दयालु और उदार है। इस तरह कोतुनी और उसके साथियों की जिंदगी बीत रही थी। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते हुए एक दिन आराम करते समय कोतुनी, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, 25 सी मुसलमान लड़की ढूंढते हैं। कोतुनी की शादी होगी और वह बाप भी बन गया। लेकिन बदकिस्मती से उसकी सास विरोधी स्वभाव की थी। तुम कैसी निकम्मी पत्नी हो, अपने पति को चोरी करने से रोक भी नहीं सकती। ओ बस करो माँ, तुम तब तक चोरी का माल गरीबों में बांटते रहोगे। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे परिवार की कौन देखभाल करेगा? यकीनन तुम नहीं। बदमाश निठल्ले डाकू, जबान संभाल कर बात कर बुढ़िया। बुढ़िया को सुनी की ओर झपके, गंवार तेरी है हिम्मत मुझसे इस तरह बात करने की? माँ जरा होश में आओ, एक चोर मुझे सलाह दे रहा है। अपने बचाव में कोतुनी ने उसे धक्का दिया। हाय माँ मर गई, हे खुदा यह मैंने क्या किया? मैंने उसे मार डाला, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हारा इरादा उसे मारने का नहीं था, पुलिस यह समझ नहीं पाएगी। मेरी विनती है कि आप अपने को पुलिस के हवाले न करें। जल्दी सांस के लापता होने और इसमें कोतुनी का हाथ होने के बारे में अफवाह फैलने लगी। तुमने सुना, कोतुनी की सास लापता है। हाँ, कहते हैं कि उसने उसे मारा और वह मर गई, मगर उसने उसे उत्तेजित किया था। खबर तहसीलदार के कानों तक पहुंची। मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी अगर कोतुनी को हमने सजा नहीं दिलाई, उसे गिरफ्तार करना होगा। मोहम्मद और कोचू पिल्ले को मेरे सामने लाओ। जो आ जाओ दूर। देखो, तुम्हें उस बदमाश कोतुनी को पकड़ने में हमारी मदद करनी होगी, मगर हमें डर लगता है। तहसीलदार ने उन्हें धन का लालच दिया। मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन शर्त यह है, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। मोहम्मद और कोतुनी पिल्ले घर के लिए रवाना हुए। चलो पहले बढ़िया शराब खरीदते हैं और कोतुनी को खूब पिलाते हैं, है ना बढ़िया शुद्ध। उस रात खूब मौज मजे की महफिल जमी। कोतुनी और लो, अच्छा अगर तुम इसरार करते हो तो महफिल और भी रंगीन होती गई। यह खास शराब है, इसे थोड़ी और पियो। क्यों नहीं, जल्दी ही, आखिर यह बेहोश हो ही गया, इसे जल्दी से बांध दो। अच्छा हुआ कि रस्सी तुम्हारे पास पहले से ही है, इसी भी संग पुलिस आती होगी। अचानक ये लोग गद्दारो, तो सुनी अकेला था फिर भी बड़ी बहादुरी से लड़ा। धोखेबाजो सबके सब, यह लो, मैंने इसे पकड़ लिया। चलो अब इसे जल्दी से खाट से बांध दो। और फिर उसे खाट से बांध कर ले चले। धोखेबाज गिदड़, तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। चलो हम अब अपना इनाम ले ले। मगर मोहम्मद और कोतु किले को जबरदस्त सदमा पहुंचा। इनाम? कैसा इनाम? गिरफ्तार करो इन्हें। मगर आपने वादा किया था, हमसे चाल खेली गई। अफसोस कोतुनी, तुम्हारे साथ हमने धगा की, उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। यह खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। सुना तुमने, कोतुनी पकड़ा गया। हमें मालूम है धोखेबाज मोहम्मद और कोतु पिल्ले ने उसके साथ दगा की। अमीरों ने खुशियां मनाई जबकि गरीबों ने आंसू बहाए। बहुत अच्छा हुआ, उस डाकू का पकड़ा जाना जरूरी था। अब हमारी मदद कौन करेगा? कोतुनी कोतुनी को एक अलग काल कोठरी में कड़ी निगरानी में रखा गया।
अफसोस बहुत देरी से यह सत्य समझ में आया कि न्याय एक चीज है और कानून दूसरी चीज। मेरे लक्ष्य ऊंचे महान और उचित थे, मगर कानून इन बातों को स्वीकार नहीं करता। मेरे तरीके गैर कानूनी थे, इसका मुझे पश्चाताप है। 3 महीने बाद जब उसके मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान पोतुणी की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा एक बार फिर मुक्त हो गई। ऐसा लगता था जैसे उसकी खुद ही मरने की इच्छा थी। इस डाकू की स्मृति वहां के हरे भरे ताड़ के पेड़ों और झीलों में चिरकाल के लिए बस गई है, जिन्हें उसने सदा प्यार किया था। माप दोस्तों, अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी।